हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुब्लेच। आज के इस वीडियो में हम जॉनसन एंड जॉनसन की दवा जो फर्स्ट डोज की वैक्सीन है उसके बारे में बात करेंगे कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं जिसका अप्रूवल भारत सरकार ने दे दिया। तो चलिए बात करते हैं जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन। तो जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन की बात करें तो भारत में अप्रूवल मिल गया है। यह वैक्सीन जो है इसका अप्रूवल भारत में मिल चुका है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपने ट्वीट में बताया कि जॉनसन एंड जॉनसन की जो सिंगल डोज वैक्सीन है इसको अप्रूव मिल चुका है। और इसको अप्रूव मिलने के बाद भारत में टोटल 5 वैक्सीन ऐसी हो गई है जिसे अप्रूवल मिला हुआ है। वे कौन कौन है, तो पहली है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड जो ब्रिटेन की कंपनी एक्सपोर्ट एस्ट्रोजेनेका के सहयोग से बनाता है। दूसरी है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। और तीसरी है डॉक्टर रेडिज की स्पुतनिक वी जो रशिया में डेवलप्ड हुआ है। और चौथी है सिप्ला की मॉडर्ना वैक्सीन। और जो पांचवी जो नई आई है वो है जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन। अब आगे बात करें तो यह जो वैक्सीन है यह बायोलॉजिकल इलिमिटेड के सहयोग से भारत में काम करेगी। बायोलॉजिकल इलिमिटेड हैदराबाद की कंपनी है, इसी के साथ मिल के जॉनसन एंड जॉनसन ये सिंगल डोज वैक्सीन लॉन्च कर रही है भारत में। आगे बात करें तो यह भारत की पहली सिंगल डोज वैक्सीन है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह जो वैक्सीन है यह सिंगल डोज वैक्सीन होगी। अभी तक जितने भी वैक्सीन भारत में अप्रूव मिले हैं ये सभी डबल डोज वैक्सीन है। और जो जॉनसन एंड जॉनसन की जो अभी हाल ही में आने वाली है वैक्सीन वह सिंगल डोज वैक्सीन है, वह एक ही शॉट में फिनिश्ड, एक ही शॉट में ये काम कर जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि वैक्सीन किस तरीके से बना है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो यह वैक्सीन सार्स CoV-2 वायरस के थोड़े जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाया गया है। अब यह सार्स CoV-2 वायरस क्या है, तो यही कोरोना वायरस है। एक बार और कोरोना वायरस आया था 2003 में जिसका नाम था सार्स CoV, और अब जो आया है तो इसलिए इसका नाम है सार्स CoV-2। लेकिन इसको पढ़ने में काफ़ी कठिनाई होती है, तो इसलिए WHO ने ऐसा नाम चुना जो हर कोई बोल सके, इसलिए हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। अब बात करें जेनेटिक मटेरियल का है, तो जेनेटिक मटेरियल ऐसा चीज़ होता है जो जिसके माध्यम से एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी के गुण तीसरी पीढ़ी में जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो जेनेटिक मटेरियल के माध्यम से ही होता है, तो वही होता है जेनेटिक मटेरियल। और इसी वायरस कोरोना वायरस के थोड़े से जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करके यह दवा बनाई गई है। और यह क्या काम करती है, तो यह स्पाइक प्रोटीन बनाने का काम करती है जिसके माध्यम से जो इम्यून सिस्टम है वह एंटीबॉडीज बनाता है और असल वायरस को पहचान के लड़ता है, असली वायरस को पहचान लेता है और फिर लड़ता है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जब हमारे घर में चोरी होती है, जब फर्स्ट चोरी होती है हम लोग सीरियस नहीं होते हैं, रात है, सोए हुए हैं, थोड़ा सा भी कुछ साउंड होता है तो इग्नोर करते हैं, छोड़ो हटाओ। सुबह पता चलता है कि मेरे घर में चोरी हो गई, वही जब घटना नेक्स्ट टाइम जब होता है तो लोग सतर्क हो जाते हैं, थोड़ी सी भी आउट होती है तो अपना तैयार हो जाते हैं कि कहीं चोरी तो नहीं ना हो रही है, क्योंकि वो घटना घट चुकी होती है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे होता है। तो जो कोरोना वायरस होता है उसमें इस तरीके से बने होते हैं ये सभी स्पाइक प्रोटीन होते हैं, और यही हमारे सेल में चिपक जाते हैं और अपना म्यूटेशन करते हैं, अपनी कॉपीज बनाते रहते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे हम बीमार हो जाते हैं। तो यही स्पाइक प्रोटीन, तो इसी को बनाने का काम करता है जो ये जेनेटिक मटेरियल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वैक्सीन में। तो जो सार्स का CoV-2 वायरस का जो थोड़े से जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करके जो वैक्सीन बनाया गया है, ये वैक्सीन का काम रहता है यही स्पाइक प्रोटीन बनाना। जब इसे हमारे शरीर में वैक्सीनेटेड किया जाता है तो क्या करता है, ये स्पाइक प्रोटीन बनाता है और हमारे शरीर के अंदर भेजता है। अब यह स्पाइक प्रोटीन बन जाता है, हमारे शरीर में जाता है स्पाइक प्रोटीन, तो हमारा शरीर शुरुआत में बीमारी से लड़ने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो जब हम लोग वैक्सीनेटेड होते हैं और जब यह स्पाइक प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर जाता है तो जो इम्यून सिस्टम होता है वो आराम से सोया हुआ रहता है, देखता है कि कोई अब क्या ये नया चीज़ आ रहा है हमारे शरीर में कुछ नया चीज़ प्रवेश किया स्पाइक प्रोटीन, अभी हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, तो इम्यून सिस्टम रिलैक्स रहता है, अरे कोई आ रहा है तो आराम करता है, रिलैक्स रहता है। अब क्या करता है यह स्पाइक प्रोटीन, तो यह स्पाइक प्रोटीन हमारे सेल में प्रवेश करता है। तो जब यह सेल में प्रवेश करता है
तो क्या होता है कि हम लोग थोड़े से जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से ये अपनी कॉपीज नहीं बना पाता, तो हमें बीमार नहीं करता। तो जब ये सेल में पहुंच जाता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वह सतर्क हो जाता है कि अरे ये सेल में आ गया, चलो 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 इसको भगाते हैं, चलो चलो। उसके बाद ये क्या करता है, लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम तैयार हो जाता है स्पाइक प्रोटीन से, और ये स्पाइक प्रोटीन को जाके खत्म कर देता है। क्योंकि ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है ये हमारे सेल में आ जाता है, लेकिन ये कुछ नुकसान इसलिए नहीं पहुँचा पाता है क्योंकि हम लोग वायरस का थोड़ा ही जेनेटिक मटेरियल का यूज़ करते हैं, और इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि ये हमारे शरीर के अंदर जाके कॉपीज ना बनाए अपना, क्योंकि कॉपीज बनाएगा तो बीमारी होगी, कॉपीज नहीं बना पाता है। तो ये क्या करता है, तो इस तरीके से जब कॉपीज नहीं बना पाता और ये सेल में चला जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इसे ख़त्म कर देता है जाके। और जब ये स्पाइक प्रोटीन जब इम्यून सिस्टम ख़त्म करता है इसको, तो इम्यून सिस्टम इसको क्या करता है, पहचान लेता है। क्या करता है, इसको पहचान लेता है, नोटिस कर लेता है कि स्पाइक प्रोटीन इस तरीके का होता है, ये सेल में जाके खतरा पैदा कर सकता है। तो हमें इस तरीके की चीज़ जब नज़र आए तो हमें सतर्क रहना है और हमें तैयार रहना है हमले के लिए। तो इस तरीके से ये हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम होता है वह क्या करता है, एंटीबॉडीज बना के रख लेता है इस तरीके से बचने के लिए, अपना गार्ड लगा देता है। इम्यून सिस्टम क्या करता है, अपना गार्ड लगा देता है कि इस तरीके का चीज़ जब शरीर में दिखे तो समझ जाना कि खतरा है, इसको ख़त्म करना है। तो जब वैक्सीनेटेड होने के बाद जब कोरोना का जब असर हमारे बॉडीज में आता है, जब कोरोना एंट्री करता है, तो उसका जो स्पाइक प्रोटीन है वो हमारे शरीर में, ये कोरोना अंदर गया, ये जो स्पाइक प्रोटीन है, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वह इस स्पाइक प्रोटीन को पहचान लेता है। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही स्पाइक प्रोटीन डाला था शरीर के अंदर और हमने एंटीबॉडीज बना लिया था। तो यह क्या करता है, स्पाइक प्रोटीन पहचान लेता है कि अरे इस तरीके का तो हम पहले दुश्मन को देख चुके हैं अपने शरीर में। तो क्या करता है, वह एंटीबॉडीज को तैयार कर देता है और ये एंटीबॉडीज सेल में, ये जो सेल में जाने से पहले ही इसको ख़त्म कर देता है। एंटीबॉडीज हमारे शरीर का जो एंटीबॉडीज होता है वो कोरोना को ख़त्म कर देता है, क्योंकि अगर ये सेल में जाएगा तो फिर अपना कॉपीज बनाने लगेगा, कॉपीज बनाना स्टार्ट करेगा तो फिर हमें बीमारी होगी। तो ये ऐसा करने से पहले ही रोक देता है हमारे शरीर का एंटीबॉडी। तो जो वैक्सीन है उसका काम क्या रहता है कि वह एंटीबॉडीज तैयार कर देता है स्पाइक प्रोटीन भेज के कि इस तरीके का कोई खतरा है तो आप इससे बच के रहिए। तो इसी तरीके से जो इम्यून सिस्टम होता है क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है और जो असली वायरस होता है उसको पहचानने का काम करता है, उससे लड़ता है। और इसे नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर कहा जाता है, इसे नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वैक्सीन के भीतर जो जेनेटिक मटेरियल यूज किया जाता है वह शरीर के भीतर अपनी कॉपीज नहीं बनाता है, उसको इस तरीके से ही बनाया जाता है कि वह अपने वो हमारे शरीर में एंट्री करता है तो अपनी कॉपीज नहीं बनाता है। आगे बात करें तो जो ये वैक्सीन है जॉनसन एंड जॉनसन की जो सिंगल डोज वैक्सीन है, इसे 2 डिग्री से 8 डिग्री तापमान में स्टोर किया जा सकता है, इसे 2 डिग्री से 8 डिग्री के तापमान में स्टोर करके रखा जाता है। आगे बात करें तो खुल चुके वायल्स को 9 डिग्री से 25 डिग्री के तापमान में 12 घंटे तक रखा जा सकता है। अब खुल चुके वायल्स, ये अब वायल्स क्या होता है, तो वायल्स की बात करें तो जो शीशी होती है दवा की, इसमें हम लोग पिन करते हैं और इस दवा को निकालते हैं सुई में, उसके बाद वैक्सीनेट करते हैं। तो ये जो दवा से निकालते हैं तो ये जो लगा होता है रबर का, उसी को वायल्स कहते हैं। तो अगर खुल चुका वायल्स है तो उसे 9 डिग्री से 25 डिग्री तापमान में 12 घंटे तक रख सकते हैं, उसके बाद वह अगर उसके बाद 12 घंटे के बाद यह कोई काम का नहीं रहेगा। अब आगे बात करें तो जो इस वैक्सीन का फेज 3 का जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ था, उसी के डाटा के आधार पर जो एक कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, एक कंपनी हमें बताती है कि इसमें जो फेज 3 का जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ उसमें जो डाटा मिला हम लोगों को, तो यह दवा 85% सक्षम है कोरोना से लड़ने के लिए। यह जो दवा है वह 85% सक्षम है कोरोना से लड़ने के लिए। और डोज लगने के बाद, जब यह डोज लग जाएगा तो डोज लगने के बाद 28 दिन के बाद, डोज लगने के 28 दिन के बाद मृत्यु दर में कमी आएगी और मरीजों को अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की संख्या में भी कमी आएगी, क्योंकि यह डोज 85% सक्षम है, जिस वजह से यह डोज लगने के तुरंत बाद असर नहीं करेगा, डोज लगने के 28 दिन बाद यह मृत्यु दर में भी कमी करेगा और मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने से भी वह संख्या में कमी करेगा। तो इस तरीके से जॉनसन एंड जॉनसन की जो सिंगल डोज वैक्सीन है वह काम करेगी। अगर ये सही तरीके से काम करता है तो यह बहुत अच्छा है हमारे लिए भी, क्योंकि अभी भारत में लगभग 50 करोड़ से भी अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। और ये दवा आने के बाद, ये तो सिंगल डोज वैक्सीन होगा, तो इसके आने के बाद
वैक्सीनेशन में बहुत तेजी आएगी। इस तरीके से यह बहुत कारगर साबित हो सकता है भारत में वैक्सीनेशन को लेकर। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।